आंदोलनकारी साहित्यकार पत्रकार व छोटा नागपुरिया तेली उत्थान समाज के डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज नहीं रहे। नमस्कार, मैं हूं दिव्या रानी और आप देख रहे हैं जीएन भारत। 1 अप्रैल को अपने आवास से बहू बाजार रांची में सुबह उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें सेवा सदन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी भुवनेश्वर अनुज के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा है कि श्री अनुज ने शिक्षा, साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई थी। झारखंड आंदोलन में उनके अहम योगदान को कभी भुला नहीं सकते हैं। डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज ने समाज को एक नई दिशा देने का काम किया था। उन्होंने साहित्य की कई विद्याओं में बेहतरीन रचनाएं समाज को दिए हैं। उन्होंने अपने साहित्य कर्म व शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना कर समाज को एक नई दिशा देने का काम किया। झारखंड आंदोलन में सक्रिय रहते हुए आंदोलन को गतिमान बनाने के लिए उन्होंने आंदोलन से संबंधित अमूल्य रचना भी प्रकाशित किए। डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज का अंतिम संस्कार आज पूरे विधि विधान के साथ रांची के स्वर्णरेखा नदी के तट पर किया गया, जहां झारखंड के विभिन्न प्रांतों से कई हस्तियां मौजूद रहे। लोगों ने उनके निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त किया है। उनके निधन पर लोगों ने इसे साहित्य जगत के लिए अपूर्ण क्षति बताया है। समाज को आगे बढ़ने व शिक्षा को गांव तक पहुंचाने में उनका काफी योगदान रहा। हमेशा छात्रों, शोधकर्ताओं एवं नए लेखक रचनाकारों के लिए हमेशा मार्गदर्शक, अभिभावक के रूप में हमेशा खड़े रहते थे। वे समाज के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहेंगे। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें जीएन भारत के साथ। धन्यवाद।